राज्य सरकार द्वारा बजरी के खनन पर रोक लगाने के बावजूद उपखंड के आसपास के क्षेत्रों में धड़ल्ले से बजरी का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। केवल खनन ही नहीं वरन शहरी क्षेत्र में दिन रात बजरी का परिवहन किया जा रहा है। अवैध खनन पर रोक लगाने के उद्देश्य से खनन विभाग के उपखंड क्षेत्र में लगातार कार्यवाही की जा रही है। खनिज अभियंता श्याम कापरी ने बताया कि विभाग की ओर से अवैध बजरी खनन तथा परिवहन के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस दौरान अवैध रूप से बजरी का परिवहन करने वाले चालकों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई कर 1,43,00,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। विभाग ने यह कार्रवाई वर्ष 2020-21 में की है। इनमें सबसे अधिक मामले अवैध बजरी परिवहन के शामिल है। खनिज अभियंता कापरी ने बताया कि विभाग की ओर से अवैध खनन एवं बजरी परिवहन के मामले में विभाग की ओर से समय समय पर वाहनों की धरपकड़ कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वर्ष 2020-21 में की गई इस कार्रवाई के तहत करीब 110 चालान बनाए गए हैं, जिसके जरिए विभाग को 1,43,00,000 रुपए की राजस्व आय हुई है। कापरी ने बताया कि चालान में सबसे ज्यादा मामले अवैध बजरी परिवहन के हैं। विभाग की कार्रवाई जारी है। विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में अवैध खनन निर्गमन के कुल 104 प्रकरण बनाए गए, जिसमें से 1,43,00,000 रुपए की वसूली हुई, जिसमें सबसे अधिक 61 प्रकरण बजरी के बनाए गए, जिससे लगभग 1,00,00,000 रुपए की वसूली हुई है। 2021-22 में भी अवैध खनन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मुख्यतः रायपुर तहसील में बजरी एवं मसूदा तहसील में फेल्स पार्क के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। लजीज में उत्तम खाने का बेहतरीन रेस्टोरेंट जी हाँ, होटल राजमहल की नई पेशकश राजरानी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहाँ आप पाएंगे गार्डन रेस्टोरेंट और ऐसे रेस्टोरेंट की बेहतरीन सुविधा के साथ खाने की उत्तम व्यवस्था में चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, साउथ इंडियन, मैक्सिकन, लेबनेस वे और भी अन्य व्यंजनों के साथ भोजन की एक से बढ़कर एक वेराइटियाँ। तो आज ही चले आए राजरानी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, होटल राजमहल, जोधपुर रोड, ब्यावर। फोन नंबर 01462224904224530।